नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश का हाथरस आज जबरदस्त अखाड़ा बना हुआ है। आरएलडी, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर भीम आर्मी के सब वहां पर मौजूद हैं। पुलिस से जबरदस्त भिड़ंत हुई है और अभी भी एसपी आरएलडी के कार्यकर्ता जो हैं वो पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई हैं। लेकिन पुलिस का उल्टा आरोप है कि ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने एक महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की, उसके बाद घेर कर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को पीटा है, बुरी तरह से मारा है। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें पीटा गया है। आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है दोनों तरफ से। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज स्थिति जबरदस्त तनावपूर्ण है, और तनावपूर्ण इसलिए कि अब राजनीतिक दल के नेताओं का वहां पर पहुंचना जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई थी और कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप को पुलिस ने घेर कर पूरी तरह से मारा था। आरोप पुलिस ये लगा रही है कि ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक महिला कांस्टेबल के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की, इसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। पत्थरबाजी का आरोप भी पुलिस ने लगाया है। पुलिस ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पत्थरबाजी भी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं पर भीड़ लगाने का, धारा 144 तोड़ने का, कानून का उल्लंघन करने का, पुलिस की बात न मानने का, तमाम तरह के बाद एक आरोप लगाते हुए पुलिस ने लाठियां बरसा दी हैं। और ये सभी कार्यकर्ता जो थे अपने नेताओं के साथ हाथरस पीड़िता के घर की तरफ जा रहे थे। यानी कि उत्तर प्रदेश का हाथरस जो है वो आज ज़बरदस्त अखाड़ा बना हुआ है। इसके अलावा हाथरस ज़िले का गांव है बूलगढ़ी। बूलगढ़ी में स्थिति तनावपूर्ण है। यहाँ पर इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ियों को आड़ी तिरछी लगा दिया गया है ताकि गाँव में कोई प्रवेश न कर पाए, और लोगों को रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आरएलडी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर के साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हंगामा लगातार चल रहा है हाथरस में। इस समय स्थिति तनावपूर्ण है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उन समाजवादी पार्टी के नेताओं की है जो पीड़िता के परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं और पीड़िता के परिवार का दुख दर्द बांट रहे हैं। कल ये काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने किया था। उसके बाद ये चर्चा भी हुई थी कि क्यों कांग्रेस अचानक से उत्तर प्रदेश में आक्रामक हो गई है एक विपक्ष के तौर पर, और बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आरएलडी भी, जयंत चौधरी भी यहाँ पर आए हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे उनके नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने उनका दुख बांटा है, उनकी संवेदना उनसे व्यक्त करने ये लोग पहुँचे थे। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि हाथरस में पीड़ित परिवार के गांव में हंगामा हो गया। एक तरफ घर में एसआई की टीम ने पिता का बयान दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ लगातार राजनीतिक दलों का आना जारी है। गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने वहां प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, और इस कारण जबरदस्त हंगामा है। आइए सीधे हम आपके लिए चलते हैं मौसमी सिंह, हमारे संवाददाता के पास। मौसमी, क्या स्थिति है इस वक्त? मौसमी, आवाज सुन पा रही हैं आप हमारी? सईद, यहाँ पे शकील, अगर आप दिखाइए मौसमी यहाँ पे। जी, मिल रही है आपकी आवाज शकील? शकील जरा दिखाइएगा फिर। जी, मिल रही है सईद आपकी आवाज? बोलिए बोलिए, क्या स्थिति है वहाँ बताइए। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ज्योग्राफिकली क्या यहाँ पे पूरा जो बैरिकेडिंग है उसके आसपास क्या तस्वीर है। यहाँ पे आप देखिए कि पहले पुलिस हेलमेट पहन के नहीं खड़ी थी, पर अब और सुरक्षा बल जो है पुलिस कर्मियों का वो लगा दिया गया यहाँ बैरिकेड के पहले। यही वो जगह है जहाँ पे लाठीचार्ज हुई है, आप लोग यहीं पर रहिएगा। और यहाँ पे तमाम शकील, आप ऊपर से ही दिखाइए। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता थे, उनके बगल में पुलिस थी, पुलिस यहाँ पे थी, और पुलिस का कहना है कि इन लोग ने धक्का मुक्की की, पथराव की। इन लोग का कहना है कि हम लोग ने धक्का मुक्की नहीं की, पुलिस ने सबसे पहले लाठियां भांजी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कुछ कार्यकर्ता है रालोद के, उनका कहना है। आपके कहाँ चोट लगी है, दिखाइए चोट।
कैसे लगी चोट? पुलिस ने डंडा छोड़ा हमारे ऊपर। हम लोगों ने, हमारे चौधरी साहब आए थे, हम लोगों ने विनती की थी कि पांच आदमी की मीटिंग में पांच आदमी अंदर ले लिए जाएं। आप शामिल थे उस पांच आदमी में? आप शामिल थे उस पांच आदमी? हम तो उनके साथ थे। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और हम लोगों को बेरहमी से पीटा है। चोट लगी आपके सिर में? चोट है, ये हालत हो रही है। यहाँ पे देखिए, इनके सर पे और पीठ पे चोट लगी है, टाके भी लगे, पांच टाके। यहाँ पे चोट है, यहाँ पे चोट है और बेरहमी से हमको। आपको कहाँ चोट लगी? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत जावला है। हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बस उतरे ही थे गाड़ी से और हम लोगों को, पांच लोगों को जाने की परमिशन थी। जैसे ही हम पांच लोगों ने भी कोशिश की, वो केवल अकेले जयंत चौधरी जी को भी जाने नहीं दे रहे थे। बैरिकेटिंग नहीं खोला उन्होंने हमारे लिए। हमारे पास परमिशन थी पांच लोगों के जाने की, शांतिपूर्ण तरीके जाना चाहते थे। जैसे ही हम कोशिश कर रहे थे कि वो, हमने पुलिस कर्मियों से भी बात की कि आपने महिला पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की या भद्रता की? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। ऐसा नहीं है। आप लोग इतना शोर करेंगे, सबसे पहली बात तो सईद, मैं आपको बता दूं कि आधे कार्यकर्ता मास्क नहीं पहने हुए थे। ये सही बात है कि लगातार बैरिकेड पे धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस को भी अनुशासन बनाना है, पुलिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर नेता मिलने आ रहे हैं तो हजारों का हुजूम लेके क्यों आ रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम है कि कोरोना चल रहा है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। सईद, बिल्कुल ठीक कह रही है मौसमी आप। और अब लगता है ऐसा है कि पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करना, उनका दुख दर्द बांटने से ज्यादा कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये राजनीति हो रही है? हम फायदा उठा लें, राहुल प्रियंका पहुंच गए, घर के अंदर की तस्वीरें आ गई। अब कल भी हमने ये सवाल उठाया था, बातचीत की थी कि कहाँ है बीएसपी एसपी, कहाँ है आरएलडी, आज आरएलडी भी आ गई। तो सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है अब मौसमी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मसला संवेदनशील भी हो गया है। यहाँ पे आप देखिए पीछे, जरा टॉप एंगल से दिखाइए शकील जी, यहाँ पे पीछे बहुत सारे स्थानीय लोग आ गए हैं और इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अराजक तत्व ने पथराव किया। जी, यहाँ पर जैसे ही हम लोग कुछ पहुँचे हैं, यहाँ पर एक दल है 50-60 लड़कों का, जो कि बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लड़के हैं। उनके हाथ में बैनर है कि स्वर्णों को छोड़ दिया जाए, जो बलात्कारी लड़के हैं जिनको आरोप लगा है उनको छोड़ दिया जाए। वो शायद उन्होंने पथराव किया, आपने नहीं किया? हम लोग तो, आप फ्रंट लाइन में थे तो वो पथराव कैसे करें? देखिए आप समझिए, वालों को भी चोट लगी। देखिए पुलिस वालों को कोई चोट नहीं लगी, आप समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज कर दिया। हमें नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरा पर्स खो गया मैम। लोगों का पर्स चोरी हो रहा है और यहाँ पे स्थिति ऐसी है सईद, हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ पुलिस के कर्मियों का तांता है, दूसरी तरफ यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह के बैनर पोस्टर लेके आए हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो बैनर पोस्टर। इस तरह के बैनर पोस्टर हैं जो मुकदमा वापस लो, दोषी कोई बचे नहीं, झूठा मुकदमा वापस लो, इस तरह के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। और यहाँ पे के लोग हैं, आप देखिए इधर आइए तो इधर आइए मौसमी, ये दूसरे पक्ष के लोग हैं इस तरह के लगाए हुए। यहाँ पे आप देखिए कि लोग, जी देखिए यहाँ पे स्थानीय आसपास के गांव के लोग भी हैं जिन्होंने खून से एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि वो स्वर्ण समाज से है, परिषद से है और उन्होंने खून से लिखा पत्र एसआईटी को देने की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी झूठा मुकदमा है या अगर कोई बेकसूर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, एक निष्पक्ष जांच हो। नहीं तो आप कहना ये चाह रही है मौसमी की यहाँ पर ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बात अभी तक सामने आ रही है, जो रेप की बात है, गर्दन तोड़ देने की, हड्डी तोड़ देने की बात है, जो बर्बरता की बात है, ये लोग ये कह रहे हैं कुछ गलत लोगों को फंसाया गया, कुछ और लोग हैं, दूसरे लोग हैं, या क्या कहना है इनका? देखिए सईद, यहाँ पे जातिगत राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं घटना को लोग भूल गए हैं, जो त्रासदी है उसको भूल गए हैं। सब दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं
और अगर मीडिया सच्ची बात कह रहा है या आज तक अपनी बात सच्ची बात कह रहा है तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है पर और खास तौर से राजनीतिक दलों को। पर यहाँ पे तो क्या कर ले भैया, यहाँ पे राजनीति क्यों हो रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से देश स्वतंत्र हुआ ऐसी निकम्मी सरकार कभी बनी नहीं। बहुत बढ़िया भैया, पर ये बताइए कि आपको इस मसले पर राजनीति करनी चाहिए? आपने जो बोला वो तो ठीक है, पर यहाँ पे बयानबाजी, जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना, राजनीति काहे की कर रहे हैं इसमें? आप लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं अपनी पार्टियों की सियासत। समाज में, हमारे हिंदू समाज में दो बजे वो नहीं होता। आप ये देखिए, आप देखिए सही, 1, 2, 3, 4, 5 मास्क नहीं पहन रहे। आप बताइए भैया, ये सब कोई मास्क नहीं पहना, आप लोग पीछे आइए। मैडम सुनो, इस देश का नाश हो जाएगा ऐसे ही धीरे धीरे। 2 बजे पुलिस का क्या मतलब है दाह संस्कार करने का? घर वाले करते उस लड़की का दाह संस्कार, क्या रहस्य है ये? क्यों कर दिया 2 बजे? किसी को बुलाया नहीं हुआ? ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, भाजपा ने नाश करके रख दिया। सारे देश को बेच रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे, लाठीचार्ज कर रहे हैं कार्यकर्ताओं पर। क्या ये चोर डकैत थे आदरणीय जैन चौधरी जी? चौधरी ठीक है जी जी, देखिए यहाँ पे आप लोग सब लोग अपनी सियासत करते हैं। आप आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं सारे, हम हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास जरूर आपको लिए चलेंगे, लेकिन आरएलडी नेता जैन चौधरी से उन्होंने बात की है। मौसमी जैन चौधरी की बातचीत आपकी सुनवा देते हैं, उसके बाद लौटते हैं आपके पास जल्दी से। मेरे साथ जयंत चौधरी हैं और उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन पर लाठियां भांजी हैं, बाहर लाठी चार्ज हुआ, बड़ी मुश्किल से वो भीतर पहुंचे, प्रशासन ही लेके आया, क्यों लाठी चार्ज की? एक्चुअली जहां बैरिकेडिंग है वहां तो काफी भीड़ है, क्योंकि लोग जो आक्रोश में है वो वहां स्थान पे आना भी चाहता है, देखना भी चाहता है, तो बड़ी संख्या और तादाद में लोग पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से, जो वहां अधिकारी थे, उन्होंने अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं अंदर आ गया, बैरिकेडिंग की मैं अंदर आया, शायद 4-5 लोग और मेरे साथ अंदर आए, और तुरंत जैसे हम चल के गए होंगे 100 मीटर हमने देखा कि लाठियां चलने लगी और अंदर भी। किस पर चल रही है लाठी? मैं यहां खड़ा हूं, यहां जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे वहीं उन्होंने जैन जी के ऊपर प्रयास करा, तो जो मेरे साथ कार्यकर्ता अंदर आए थे, जो लोग मेरे साथ अंदर आए थे बैरिकेडिंग में, उन्हीं पर लाठियां चली। मुझे भी लाठी लग गई होती, बस मेरा बचाव किया मेरे साथ ही। पर जयंत जी, ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके आ रहे हैं, लगातार जो अनुशासन है वो तोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से प्रशासन को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, अनुशासन नहीं बनाएंगे, कोरोना चल। नहीं नहीं, देखिए सरकार गलतियां नहीं कर सकती, डिसिप्लिन सरकार और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के अंदर रहना चाहिए। अगर कोई आम जनता का आदमी अव्यवहार भी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वर्दी पहने वाला आदमी तो उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। लाठी चलाने का वहाँ कोई वो नहीं था, बल्कि बाद में ही जो अधिकारी माफी भी मांग रहे थे। कभी कभी अति हो जाती है, उन्होंने अति की है। खैर, आज जो हम पे लाठी चलाई उसे हम लोग सहन भी कर लेंगे, हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 लाठी खाएगा। सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल यहाँ की न्याय व्यवस्था का है, सवाल यह है कि जहाँ हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर पाए और जो कानून के प्रति भावना और विश्वास को बढ़ा सके, यहाँ एनकाउंटर पुलिस को खड़े करने वाली आज सरकार है, जो इतनी अहंकारी सरकार है, जो नहीं चाहती कि उसका कोई विरोधी कहीं भी खड़ा हो। एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसकी मौत हो जाती है और अब उस पर हो रही है राजनीति। आरएलडी के नेता उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को आपने सुना। जबरदस्त हंगामा इस वक्त है हाथरस में, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी के कार्यकर्ता अलग अलग पीड़िता के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ये लाठीचार्ज जो है, ये लाठीचार्ज सिद्ध करता है कि वहां पर हंगामा ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी। पुलिस का ये आरोप है कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, एक महिला कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की गई, उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमने लाठीचार्ज किया। और उल्टा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता
आरएलडी के कार्यकर्ता नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उन्हें रोक रही है और पुलिस के बहाने वो सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार उन्हें जाने नहीं देना चाहती, योगी सरकार वहां पर ये सब करवा रही है। तो पुलिस और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस का कहना है कि हमने 5 लोगों को जाने की इजाजत दी थी लेकिन ज्यादा कार्यकर्ता जा रहे थे, इसको लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि वहीं पर मौजूद आरएलडी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, एक महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की, पुलिस के जवान को चोट लगी है, पुलिस के एक जवान को पत्थर लगा है और उसे काफ़ी चोट लगी है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ये गलत बात कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, वो मिलने जाना चाहते थे, पुलिस से उनकी झड़प हुई है, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। दूसरी तरफ आरएलडी के कार्यकर्ता मिलना जाना चाहते थे, नेता मिलना जाना चाहते थे, वहाँ पर हंगामा हुआ है। तीसरी तरफ एसआईटी की टीम पहुँची है, पिता का बयान दर्ज किया है। चौथी बात, नए एसपी विनीत जायसवाल पहुँचे, उन्होंने दौरा किया है। तो एक और खबर है, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी हाथरस के बाहर, उन्हें रोक लिया गया है और वो भी पैदल हाथरस की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता, अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के विधायक, संजय लठार और जयवीर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, जो तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनमें जो नेतृत्व कर रहे हैं इस दल का वो धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, संजय लठार और जयवीर, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये 4 लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं। लेकिन हाथरस में आज गहमा गहमी है, हाथरस में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े हैं, आरएलडी और पुलिस के बीच झड़प हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। भीम के जो चंद्रशेखर हैं, भीम आर्मी के प्रमुख, वो वहां पर मौजूद हैं, वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईटी ने जाँच की है। गहमा गहमी और हाथरस जबरदस्त चर्चा में, हमारी संवाददाता मौसमी बनी हुई है। हम लौटते हैं इसी खबर पर, आपको दोबारा लिए चलेंगे, सीधे क्या स्थिति दिखाएंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।